वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने जा रहे हैं एक फ्लैश लाइट का, जो कि ट्रिपल ए बैटरीज पे चलने वाली फ्लैश लाइट है। ये नॉन रिचार्जेबल फ्लैश लाइट है। इसका जो नाम है ये शॉमी की एक सब ब्रांड है, बी बेस्ट, उसकी फ्लैश लाइट है। शॉमी बी बेस्ट F1 के नाम से ये फ्लैश लाइट। इसके बॉक्स पे पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ मेंशन है। सबसे पहले बॉक्स पे इसके जो लाइट के बारे में बताया गया, इसमें क्री LED यूज़ की गई है, पोर्टेबल फ्लैश लाइट है, और ये लास्ट में इसके लिखे हुए 3 मोड्स, जो पावर मोड्स हैं इसके, लाइट मोड्स हैं, 3 लाइट मोड्स हैं, और एक इसका लो, हाई, और थर्ड वाला जो स्ट्रोब मोड है। इसकी चाइनीज़ में ही मेंशन है, लेकिन इसके जो पावर है वो 250 लूमेंस तक मैक्सिमम इसकी पावर है, और इसकी जो टाइम है, वर्किंग टाइम है, मैक्सिमम 4.5 आवर्स है, और मिनिमम जो है 2 आवर्स तक चल सकती है। F1 इसका मॉडल नंबर है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। सील ऊपर मौजूद है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले सील रिमूव कट कर लेते हैं। सील कट करने के बाद बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। यूज़र मैनुअल मौजूद है। यूज़र मैनुअल कुछ चाइनीज और कुछ इंग्लिश में है। यहाँ पे ये इंग्लिश में डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें इसका मॉडल बताया गया F1। वेट इसका 126 ग्राम्स है, और इसमें AAA बैटरीज जो हैं, 3 AAA बैटरीज यूज़ होती हैं, और रन टाइम इसका जो है 4.5 आवर्स मैक्सिमम है लो बीम पे, और हाई बीम पे इसका 2 आवर्स तक रन टाइम है। और इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसका बताया गया है, 130 मीटर तक ये आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है 250 लूमेंस तक ये जनरेट करती है लाइट। बाकी इसकी बॉडी जो है वो एल्युमिनियम बॉडी है। और अब देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लैश लाइट है, जो कि एक पैकेट में मौजूद है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बी बेस्ट ब्रांडिंग मौजूद है बी बेस्ट की। यहाँ पे भी इसका मेंशन है कि इसमें AAA बैटरीज यूज़ होती हैं। बैक साइड पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। ओपन करके इसको देख लेते हैं। इसके अंदर इसकी बैटरीज डलेंगी, और बैटरीज देख लेते हैं। पैकेट पैक के अंदर होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए बैटरीज। बैटरीज मौजूद हैं, 3 AAA बैटरीज मौजूद हैं, जो कि नॉन रिचार्जेबल होती हैं। उसके बाद इस साइड पे एक स्ट्रैप दिया गया, जो कि आप इसको हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है, जो आप इसके साथ कनेक्ट करके इसको हैंग कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर बैटरीज डालते हैं और चेक करते हैं इसकी लाइट। ये रिचार्जेबल फ्लैश लाइट नहीं है, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो आप बैटरीज यूज़ कर सकते हैं, आप रिचार्जेबल बैटरी यूज़ कर सकते हैं। इस पे एरो के निशान से बताया गया कि ये वाली साइड जो है इसको अंदर की तरफ डालना है, और इसको हम कर लेते हैं बंद। अच्छा, अब इसको वन टाइम प्रेस करने पे ये ऑन होगी लो पावर मोड पे। ये अब स्ट्रोब मोड पे ऑन है, अभी फुल मोड पे, पावर मोड पे ये ऑन है। इसके बाद इसको लाइट सा प्रेस करेंगे, बैक पे जो इसका बटन है, लाइट सा प्रेस करेंगे तो इसका लो मोड ऑन हो जाएगा। थर्ड टाइम अगर लाइट प्रेस करेंगे तो इसका स्ट्रोब मोड ऑन हो जाएगा। अभी ये फुल मोड पे ऑन है, ये लो मोड पे ऑन है, और ये थर्ड स्ट्रोब मोड पे ऑन है।
तो इसको जिसकी जो बॉडी है इसकी बिल्ड है बड़ी अच्छी, बिल्ड क्वालिटी सी काफ़ी अच्छी है, एलुमिनियम बॉडी है इसकी। और बैक साइड पे जो बटन दिया गया रबर का बटन है, इसमें मेंशन नहीं है कि ये लाइट के बारे में मेंशन नहीं है कि ये वाटरप्रूफ लाइट है, इसलिए इसको हम वाटरप्रूफ नहीं कंसिडर करते। बाकी इसको आउटडोर टेस्ट आपको दिखा देते हैं, इसका आउटडोर में इसकी लाइट कैसी है, और उसके बाद दोबारा मिलते हैं वीडियो के अंदर। एक टेस्ट इसका कर लेते हैं, BBS F1 फ्लैश लाइट का। तो ये भी फुल पावर मोड पे इसको ऑन किया है, फुल 250 लूमेंस पे भी ऑन है, और ये 20 से 30 फुट की रेंज में इसकी लाइट आप चेक कर सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज में लो बीम पे इसको ऑन किया है, और इसमें लाइट कुछ कम है लेकिन लाइव विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है, और थर्ड स्ट्रोब पे इसकी काफ़ी ब्राइट फ्लैशर है। फुल पे इसकी लाइट काफ़ी ब्राइट है, और शॉर्ट रेंज के लिए तो बहुत अच्छी है, लॉन्ग रेंज के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं। अभी आउटडोर टेस्ट करेंगे हम लॉन्ग रेंज के लिए Xiaomi BBS F1 का। अभी इसको मैंने ऑन किया तो स्ट्रोब मोड पे ऑन हुई है फ्लैश लाइट, अब ये फुल मोड पे ऑन है, फुल पावर मोड पे ये ऑन है। ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी ब्राइट लाइट है, इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। सामने जो वॉल है तकरीबन 30 से 40 फुट की डिस्टेंस पे है, और वो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर एक घर है, उस पर भी काफ़ी ब्राइट, काफ़ी अच्छी लाइट लग रही है, वहाँ तक लाइट काफ़ी अच्छी जा रही है, और इसमें लाइव मज़ीद अच्छी इसकी विजिबिलिटी शो हो रही है। वीडियो में इतनी क्लियर शो नहीं हो रही, लेकिन लाइव जो है वो काफ़ी अच्छी इसकी विजिबिलिटी है। अभी लो पावर मोड पे इसको ऑन किया, लो पे भी इसकी लाइट काफ़ी रीज़नेबल है, लेकिन वीडियो में कुछ इतनी खास क्लियर नज़र नहीं आ रही। स्ट्रोब मोड आप चेक कर लें, स्ट्रोब मोड पे काफ़ी ब्राइट इसका फ्लैशर है। फुल मोड पे दोबारा मैंने इसको ऑन किया, इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं मज़ीद, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज का। सामने जो घर है तकरीबन 40 से 50 मीटर के फासले पे है, और काफ़ी क्लियर उस वहाँ तक लाइट जा रही है, थ्रो काफ़ी अच्छी है इसकी। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे ये दरख्त वगैरह हैं, विजिबिलिटी क्लियर है लेकिन वीडियो में इतनी क्लियर नहीं आ रही। यहाँ पे नियर बाय की जो चीज़ें हैं काफ़ी ब्राइट लाइट शो हो रही है। काफ़ी ब्राइट लाइट है इसकी, जो डेंसिटी है लाइट की काफ़ी अच्छी है, लाइट की डेंसिटी। कुछ दिन पहले हमने एक रिव्यू किया था Solv S3 फ्लैश लाइट का, इसकी जो डेंसिटी और लाइट है वो Solv S3 से काफ़ी बेहतर लग रही है। इसका एक रिव्यू हम करेंगे, कंपैरिजन वीडियो एक बनाएंगे कुछ दिन तक Solv S3 की और Xiaomi BBS F1 फ्लैश लाइट की, इसमें दोनों लाइट्स का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी लाइट इन दोनों में से, फ्लैश लाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में तकरीबन 2000 की रेंज में ही आपको मिल जाएगी, लेकिन किसी ऑनलाइन स्टोर से ही मिलेगी, लोकल किसी शॉप पे ये अवेलेबल नहीं होगी, आपको लोकली किसी शॉप पे नहीं मिलेगी। ऑनलाइन स्टोर से आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, Xiaomi BBS फ्लैश लाइट को। F1 मॉडल है इसका, और इसकी जो फुल पावर मोड पे इसका वर्किंग टाइम है वो तकरीबन 4 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे तक है, और जो लो पावर मोड पे इसका टाइम है तकरीबन 4 घंटे तक ये चल सकती है। तो ये आज का हमारा रिव्यू था BBS F1 फ्लैश लाइट का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।